नमस्कार दृष्टि आई के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं पहला सवाल था ग्रे पेलिकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक ये बड़े अंतर्देशीय और तटीय जल में पाई जाती हैं कथन दो ये केवल प्रायद्वीपीय भारत में ही प्रजनन करने आते हैं कथन तीन इसका आयुष स्टेटस वर्नरेबल है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक दूसरा सवाल था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक हिस्सा है कथन दो कृषि विज्ञान केंद्र योजना भारत सरकार द्वारा सौ फीसदी वित्त पोषित है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही है तीसरा सवाल फ्लाई एश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से निकलती है कथन दो इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी केवल कथन दो सही है चौथा सवाल निम्नलिखित पर विचार कीजिए एक तरफ बांध और जलाशय और दूसरी तरफ नदी गोविंद सागर जलाशय सतलज नदी महाराणा प्रताप सागर जलाशय ब्यास नदी और चमेरा बांध रावी नदी सही सुमेरित करने को दिया गया था इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी तीनों ही सही सुमिलित हैं पांचवा सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस अफ्रीका एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों में आम तौर पर पाई जाती हैं कथन दो मलेरिया एक नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक सही है छठा सवाल केरल की सिल्वर लाइन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह एक हाई स्पीड रेलवे परियोजना है कथन दो यह उत्तर में तिरुवनंतपुरम को दक्षिण में कासरगोड से जोड़ेगी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी दोनों ही कथन सही नहीं है सातवां सवाल ओमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है कथन दो यह केवल ईरान के साथ समुद्री सीमा साझा करता है कथन तीन यह केवल सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात और यमन के साथ भूमि सीमा साझा करता है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी केवल एक और तीन कथन सही हैं। आठवां सवाल निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र पाने वाली पहली शख्सियत है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मेजर सोमनाथ शर्मा क्वेश्चन नंबर नौ पार्किंसंस रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह बीमारी केवल महिलाओं को प्रभावित करती है कथन दो यह एक ब्रेन डिसऑर्डर है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल कथन दो सही है और अंतिम सवाल था हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट थर्टी नाइन ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिमिनल लॉ अभ्यास प्रश्न में हमने आपसे पूछा था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है कथन दो यह केंद्रीय बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो यानी दोनों ही कथन गलत हैं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कल संसद में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 पेश किया मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है इसलिए कथन एक सही नहीं है इसमें भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में आधिकारिक डेटा उपलब्ध होता है इसे आमतौर पर संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले पेश किया जाता है अतः कथन दो भी सही नहीं है भारत में पहला इकोनॉमिक सर्वे वर्ष उन्नीस सौ में प्रस्तुत किया गया था उन्नीस तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था इसके बाद इसे बजट से अलग करके प्रस्तुत किया जाने लगा तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि दोनों ही कथन गलत हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आज के सेशन का पहला सवाल राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक यह एक वैधानिक निकाय है कथन दो अनुच्छेद इक्यावन ए ई के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और न ही दो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय महिला आयोग के तीसवें स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया कार्यक्रम की थीम शी द चेंज मेकर थी जिसका लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना है यह एक वैधानिक निकाय है इसलिए कथन एक सही है इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में की गई थी अनुच्छेद इक्यावन ए ई के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वे ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है इसलिए कथन दो भी सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही हैं अगला सवाल बाल्टिक देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक बाल्टिक देशों में बाल्टिक सागर के पश्चिमी तटों पर स्थित एस्टोनिया लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं कथन दो उन्नीस में इन देशों ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और न ही दो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल कथन दो सही है बाल्टिक देशों में बाल्टिक सागर के पूर्वी तटों पर स्थित स्टोनिया लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं इसलिए कथन एक गलत है बाल्टिक देश पश्चिम और उत्तर में बाल्टिक सागर पूर्व में रूस दक्षिण पूर्व में बेलारूस और दक्षिण पश्चिम में पोलैंड और रूस के एक्सक्लेव से घिरे हुए हैं उन्नीस में इन देशों ने सोवियत संघ यानी यू से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी इसलिए कथन दो सही है बाल्टिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नहीं है हालांकि एस्टोनिया शेल ऑयल का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल कथन दो सही है अगला सवाल मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है कथन दो इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक स्किल्ड वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों तक रोजगार दिया जाता है कथन तीन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है केवल एक केवल एक और दो केवल एक और तीन एक दो और तीन इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत काम की मांग में पहले लॉकडाउन की अपेक्षा गिरावट आई है हालांकि अभी भी यह कोविड नाइन्टीन से पहले के स्तर से अधिक है इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है इसलिए कथन एक सही है इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक अनस्किल्ड वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में सौ दिनों तक रोजगार प्रदान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है इसलिए कथन दो सही नहीं है ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है इसलिए कथन तीन भी सही नहीं है मनरेगा के कार्यों का सोशल ऑडिट अनिवार्य होता है इससे जवाबदेही और पारदर्शिता आती है आपको बता दें कि इसमें बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार भी दिया गया है आवेदन जमा करने या काम मांगने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल कथन कथन सही है अगला सवाल स्पेशल ड्राइंग राइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह आईएमएफ द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति यानी इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है कथन दो एस का मूल्य केवल यूएस डॉलर यूरो और ब्रिटिश पाउंड पर आधारित होता है इनमें से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और न ही दो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक हाल ही में आईएमएफ ने भारत को 12.57 बिलियन एसडीआर यानी लगभग 17.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर का आवंटन किया है भारत की कुल एसडीआर होल्डिंग्स 13.66 बिलियन एसडीआर है यह उन्नीस में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है आपको बता दें कि एस करेंसी नहीं है SDR का मूल्य अमेरिकी डॉलर यूरो जापानी येन पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेनमिनबी पर आधारित होता है इसलिए कथन दो सही नहीं है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक अगला सवाल है पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक इन्हें होलो पैरासीटिक पौधा भी कहा जाता है कथन दो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है कथन तीन ये उष्ण कटिबंधीय और समिश्रितोष जोन में भी पाए जाते हैं उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल एक और तीन एक दो और तीन इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल कथन दो और तीन सही है हाल ही में निकोबार द्वीप समूह में पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट का एक नया जीनस खोजा गया है पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स को हेमी पैरासाइट्स कहा जाता है इसलिए कथन एक सही नहीं है ये उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण यानी टेम्परेच जोन में भी पाए जाते हैं इसलिए कथन तीन सही है इन्हें विकसित होने के लिए किसी पेड़ या झाड़ी की जरूरत होती है चिकित्सा में भी इनका काफी महत्व होता है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए कथन दो सही है ये फलों को खाने वाले पक्षियों के लिए भोजन प्रदान करते हैं तो इस तरह ऑप्शन बी यानी केवल कथन दो और तीन सही हैं छठा सवाल इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक महामारी से कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं कथन दो अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है कथन तीन भारत के पास तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है इनमें से कौन से कथन सही हैं केवल एक और दो केवल दो और तीन केवल एक और तीन उपरोक्त सभी सही हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल कथन एक और दो ही सही हैं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया इस साल आर्थिक सर्वेक्षण की सेंट्रल थीम थी अजाइल अप्रोच इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022 23 में जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से साढ़े आठ फीसदी प्रतिशत तक रह सकती है महामारी से कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए हैं इसलिए कथन एक सही है मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि देखी गई है 2016-17 में इनकी संख्या केवल 733 थी जो 2021-22 में बढ़कर 14,000 से भी अधिक हो गई है अमेरिका और चीन के बाद भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है इसलिए कथन दो सही है भारत के पास चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है इसलिए कथन तीन सही नहीं है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल कथन एक और दो सही है सातवां सवाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम उन्नीस या एस सी एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक संशोधित एस सी एक्ट में एस सी के खिलाफ अत्याचार के मामलों में प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं है और एफआईआर दर्ज करने से पहले किसी नियुक्ति प्राधिकारी या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है कथन दो इसके तहत आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है कथन तीन अदालतें असाधारण परिस्थितियों में एफ रद्द कर सकती है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो और तीन केवल एक और तीन एक दो और तीन इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एक दो और तीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुंबई पुलिस को समीर वानखेड़े द्वारा दायर शिकायत में एस सी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया इस कानून का मकसद एस और एस समुदायों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव और उनके खिलाफ अत्याचार को रोकना है संशोधित एस सी एक्ट में एस सी के खिलाफ अत्याचार के मामलों में प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं है और एफ दर्ज करने से पहले किसी नियुक्ति प्राधिकारी या वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती इसलिए कथन एक सही है इसके तहत आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है इसलिए कथन दो सही है अदालतें असाधारण परिस्थितियों में एफ रद्द कर सकती हैं इसलिए कथन तीन सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी एक दो और तीन आठवां सवाल इंडिया आउट विरोध निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है श्रीलंका मालदीव कंबोडिया या फिर वियतनाम इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मालदीव चीन समर्थक मालदीव के नेता अब्दुल्ला यामीन के रिहा हो जाने के बाद से इंडिया आउट विरोध और तेज हो गया है यह विरोध लगभग दो सालों से चलाया जा रहा है आपको बता दें कि मालदीव अन्य देशों के साथ इसके संबंधों को प्रभावित करने वाले विरोध प्रदर्शनों को अपराध घोषित करने के लिए कानून लाने वाला है ऐसा माना जा रहा है कि इस विधेयक को पास हो जाने के बाद इंडिया आउट कैंपेन पर लगाम लग सकती है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मालदीव नवा सवाल हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस देश को गैर नाटो सहयोगी नॉन नाटो अलाई का दर्जा दिया गया है यूक्रेन यमन ओमान या फिर कतर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित किया है अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और पिछले साल गाजा में इसराइल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता के लिए यह सम्मान दिया गया एम क्यू नाइन ड्रोन की बिक्री के लिए अमेरिकी अनुमोदन प्राप्त करने में यह कदम मददगार साबित हो सकता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कतर आज के सेशन का अंतिम सवाल मर्स कोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक इसकी पहचान सबसे पहले सऊदी अरब में हुई थी कथन दो उस समय सऊदी अरब में इसका प्रसार ऊँटों से ज़्यादातर हुआ था ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही नहीं है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और ही दो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने नियोकोव वायरस को, को लेकर दुनिया को सचेत किया था लेकिन वैज्ञानिकों ने आश्वासन दिया है कि नियोकोव को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह अपने वर्तमान स्वरूप में मनुष्यों को संक्रमित नहीं कर सकता नियोकोव का संबंध मर्स यानी मिडिल ईस्ट डिस्पायरेटरी सिंड्रोम से बताया जा रहा है इसे पहली बार 2012 में सऊदी अरब में पहचाना गया था इसलिए कथन एक सही है यह एक जूनोटिक वायरस है अर्थात जानवरों से लोगों में फैलता है WHO के सऊदी अरब में ज्यादातर लोग इन्फेक्टेड ऊँटो के संपर्क में आने से संक्रमित हुए थे इसलिए कथन दो सही है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ना तो एक और न ही दो यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कथन एक राजकोषीय घाटा कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों एवं गैर ऋण प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर है कथन दो राजकोषीय घाटे से पूंजीगत व्यय घटाकर प्राथमिक घाटा निकाला जाता है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों न तो एक और न ही दो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अन्य महत्वपूर्ण सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ तब तक के लिए नमस्कार